यूपी योद्धा और बंगाल वॉरियर्स के बीच टाई हुआ रोमांचक मुकाबला वार ऑफ स्टार में रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल और माइटी मनिंदर सिंह का शानदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, वीवो प्रो कबड्डी 2022 का 66वां मुकाबला यूपी योद्धा बनाम बंगाल वॉरियर्स के बीच खेला गया। बेहद ही थ्रिलर साहस को रोक देने वाला मुकाबला 41-41 से टाई हो गया। यह इस सीजन का 7वां टाई मुकाबला खेला गया। वहीं दोस्तों इस सीजन का दोनों टीमों के लिए यह दूसरा टाई मुकाबला। दोस्तों पहले हाफ में यूपी की टीम ने जोरदार शुरुआत किया और 12 मिनट के अंदर बंगाल की टीम को दो बार ऑल आउट कर दिया और मुकाबले में 13 पॉइंट की बढ़त ले ली। हालांकि उसके बाद बंगाल ने शानदार वापसी की, यूपी की टीम को ऑल आउट के करीब ले गए, लेकिन रोहित तोमर के शानदार प्रदर्शन से यूपी को ऑल आउट से बचा लिया। इस तरह दोस्तों पहले हाफ तक समाप्ति पर यूपी की 15 से आगे थी। दूसरे हाफ में माइटी मनिंदर सिंह के दम पर बंगाल ने दमदार वापसी की और 4 मिनट के अंदर यूपी को ऑल आउट कर दिया। 8 मिनट के अंदर यूपी की टीम दोबारा ऑल आउट हो गई। अब यूपी के पास 1 पॉइंट का लीड था। अब दोस्तों आखिरी के 3 मिनट में वार ऑफ स्टार मनिंदर सिंह और रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल का जबरदस्त मुकाबला देखा गया। प्रदीप नरवाल ने मल्टीपल पॉइंट लेकर स्कोर को बराबर किया। उसके बाद मनिंदर सिंह सुपर रेड करके फिर से बढ़त बना लिया। अंतिम रेड में मनिंदर सिंह को यूपी के डिफेंडर ने डैश आउट करवा दिया और इस तरह यह रोचक मुकाबला 41-41 से टाई हो गया। इस रोचक मुकाबले में यूपी की ओर से रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल ने 11 रेड पॉइंट, रोहित तोमर ने 16 रेड पॉइंट और बंगाल वॉरियर्स की तरफ से माइटी मनिंदर सिंह ने कुल 18 रेड पॉइंट टीम के लिए जुटाए। दोस्तों यह रोचक मुकाबला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपना राय दें। साथ ही वीवो प्रो कबड्डी 2022 से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।